Hello students, welcome back. Students, in the last video we discussed about meaning of partnership business and what are the general features of partnership. Today we will discuss our next topic, that is merits of partnership and limitations of partnership or demerits of partnership. First of all, we will discuss about what are the general merits of पार्टनरशिप बिजनेस. तो पार्टनरशिप बिजनेस की जर्नल मेरिट्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आता है इसके अंदर इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन. सेकंड, बैलेंस्ड डिसीजन या बैलेंस्ड मैनेजमेंट, कुछ भी कर सकते हैं इसमें हम, बैलेंस्ड डिसीजन या बैलेंस्ड मैनेजमेंट. थर्ड वन इज मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फोर्थ वन शेयरिंग ऑफ रिस्क, या फिर हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ रिस्क. एंड नेक्स्ट वन, हायर सीक्रेसी, हायर सीक्रेसी. स्टूडेंट्स, दीज आर जर्नल मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. नाउ वी विल डिस्कस दीज मेरिट्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी फॉर्मेशन. देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो गवर्न होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और पार्टनरशिप बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की कोई लीगल ओब्लिगेशन नहीं होती कि लीगली मैंडेटरी नहीं होता कि पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाया जाए. हाँ, अगर रजिस्टर करवाया जाता है तो ये पार्टनर्स के लिए या बिजनेस दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है. बट गवर्नमेंट के थ्रू या इंडियन कंपनी एक्ट के थ्रू या इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि इसको रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा. अगर बिजनेस के पार्टनर्स एग्री हैं तो पार्टनर्स चाहें तो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करवाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, बट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगली रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता. दैट मीन पार्टनरशिप बिजनेस का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी इजी होती है. पार्टनर जब चाहे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के बिहाफ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज इजी फॉर्मेशन. सेकंड वन, बैलेंस डिसीजन मेकिंग. कहते हैं हमारे हिंदी में एक अक्सर एक कहावत होती है कि एक से भले दो. या दैट मीन अक्सर एक आदमी की सोच सीमित होती है, तो बिजनेस में कोई भी विचार आता है उसको दो या दो से अधिक लोग उस विचार के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं. उसके बिहाफ पर एक बैलेंस डिसीजन आउटपुट के रूप में हमारे सामने आता है. तो इसमें क्या होता है कि किसी भी पार्टनर के दिमाग में कोई आइडिया, कोई विचार आता है, तो वो विचार, वो आइडिया अक्सर पार्टनर्स के बीच में डिस्कस होता है. उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को, उसके एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाता है. दैट मीन बिजनेस में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉपर सोच विचार के, दो या तीन चार लोगों के द्वारा मिलकर सोच गहन विचार विमर्श करने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है. तो इसलिए इस प्रकार के डिसीजन होते हैं वो अक्सर संतुलित निर्णय होते हैं, बैलेंस होते हैं. इनमें थोड़ा सा फॉल्ट की संभावना कम होती है. थर्ड वन इज मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, सोल ट्रेड बिजनेस से. सोल ट्रेड बिजनेस में जो भी कैपिटल होती है वो सारी की सारी कैपिटल जो होती है वो एक ही पर्टिकुलर सोर्स, एक ही पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू सारी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है. इसलिए कैपिटल का जो स्केल होता है, कैपिटल का जो लेवल होता है वो यूजुअली कम होता है. बट पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट क्या होती है, आपको बताया था हमने लास्ट वीडियो में भी. दैट इज़ पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं. तो दो या दो से अधिक लोग जब मिलकर पूंजी लगाते हैं, 2, 10, 15, 20 लोग जब मिलकर पूंजी लगा रहे हैं, तो अक्सर कैपिटल का जो स्केल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. इस स्केल पर बिजनेस थोड़े लार्ज स्केल के ऊपर बड़े ऑपरेशन के रूप में बिजनेस परफॉर्म किया
जा सकता है। उसमें क्या बोलते हैं, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो ओनरशिप होती है वो दो या दो से अधिक लोगों के पास होती है। दैट मीन नुकसान होने की सूरत में सारा का सारा नुकसान एक ही व्यक्ति को नहीं उठाना पड़ता। यहाँ पर नुकसान होने की सूरत में वो जो नुकसान होता है वो भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है। दैट मीन यहाँ पर रिस्क का सारा बिजनेस में लॉस होने पर जो टोटल रिस्क है उस रिस्क का बर्डन एक व्यक्ति के ऊपर नहीं आता, एक सिंगल पर्सन के ऊपर नहीं आता, वो रिस्क पार्टनर्स में बढ़ जाता है। इसलिए एक सिंगल पर्सन को हम कहते हैं कि एक रिस्क टोटल लॉस का ओवर बर्डन नहीं बियर करना पड़ता है, दैट इज़ शेयरिंग ऑफ रिस्क। इसमें नुकसान होने की जरूरत में जो नुकसान होता है वो सभी पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के मध्य में आपस में डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम, शेयरिंग ऑफ रिस्क। नेक्स्ट वन इज हायर सीक्रेसी। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है बेटा, जितने भी बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स तक ही सीमित होते हैं। और कोई भी पार्टनर्स अपने खुद के जो पार्टनर्स हैं, इसका मतलब क्या है, वो उस बिजनेस के ओनर हैं और अपने बिजनेस के ओनर होने के नाते अपना बिजनेस का नुकसान करने के लिए मार्केट में उस उन सीक्रेट्स को वो लीक नहीं करेंगे, ऐसा जनरली नहीं होता। दैट मीन पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर लेवल ऑफ सीक्रेसी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, क्योंकि सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो जो जितने भी सीक्रेट होते हैं उस पार्टनर से किसी में होते हैं और पार्टनर जानबूझ के अपने खुद के बिजनेस का नुकसान करने के लिए उन सीक्रेट्स को मार्केट में लीक नहीं करते। सो दीज आर जनरल मेरिट्स ऑफ अ मेजर मेन मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज ईजी फॉर्मेशन। दैट मीन इनके पार्टनरशिप बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद उस पार्टनर्स हैं वो अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बिजनेस के लिए, पार्टनर्स के लिए ही अच्छा होता है, बट मैंडेटरी नहीं होता कि इसका करवाना ही पड़ेगा। जो भी आइडियाज़ होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, विचार आइडिया तो हम कहते हैं जो थिंकिंग होती है, वो पार्टनर्स के बीच में उन आइडियाज़ के ऊपर, थिंकिंग्स के ऊपर डिस्कशन होता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो अक्सर जो डिसीजन होते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। थर्ड, कैपिटल जो होती है वो एक से अधिक लोगों के द्वारा इन्वेस्ट करती है। एक व्यक्ति के द्वारा पूंजी लगाने की क्षमता सीमित होती है, जबकि कई लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं तो बिजनेस में बल्क में कैपिटल होती है, जिसके कारण बिजनेस को लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट किया जा सकता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, नुकसान होने की सूरत में सारा का सारा नुकसान एक ही व्यक्ति को नहीं उठाना पड़ता। बिजनेस को जो नुकसान हुआ है, जो भी रिस्क वगैरह है, वो सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और हायर सीक्रेसी, पार्टनर्स बिजनेस के ओनर होते हैं और ओनर होने के नाते जानबूझकर वो अपने सीक्रेट्स मार्केट में लीक नहीं करेंगे, जिससे उनके बिजनेस का नुकसान हो। और बिजनेस का नुकसान होगा तो कॉमन सेंस है कि वो उनका खुद का भी नुकसान होगा, इसलिए अपना जानबूझ के अपना नुकसान करवाने के लिए बिजनेस के सीक्रेट्स को मार्केट में लीक नहीं करेंगे। इस वजह से पार्टनरशिप बिजनेस में भी क्या होता है, सीक्रेसी का लेवल काफ़ी हाई होता है। दैट इज जनरल मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। डीमेरिट्स ऑब्लिक या लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस की कौन कौन सी कमियां या लिमिटेशन होती है, इसमें बेटा सबसे पहले आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जितने पार्टनर्स होते हैं, यूजुअली सही पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। दैट मीन अगर बिजनेस को नुकसान होता है तो नुकसान होने की सूरत में जो भी टोटल नुकसान हुआ है, नुकसान होने की सूरत में हम कहते हैं कि जो भी बिजनेस में सरप्लस लाइबिलिटीज़ है उनकी पेमेंट मालिकों के, ओनर्स के पर्सनल अकाउंट से करनी पड़ती है। मान लो हम कहते हैं बिजनेस की टोटल एसेट्स हैं 10 लाख रुपीज़ और बिजनेस की टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, दायित्व जो बिजनेस के हैं वो 20 लाख रुपीज़ हैं, तो 10 लाख की पेमेंट तो बिजनेस के एसेट्स को बेच कर हो जाएगी, बाकी ये जो सरप्लस लाइबिलिटी है 10 लाख की
उसका भुगतान जो भी पार्टनर्स है उनके पर्सनल एसेट्स में, उनकी निजी संपत्ति में से किया जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेकेंड वन, लिमिटेड रिसोर्सेज पार्टनरशिप बिजनेस में हम कह सकते हैं कि यूजुअली कुछ चुनिंदा मेंबर मिलके बिजनेस कैरी करते हैं और वो भी एक निश्चित सीमा तक ही कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। बेशक से उनका पर्सनल कैपिटल कितनी है, बट एक लिमिटेड स्केल तक ही वो बिजनेस के अंदर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। तो जनरली सोल ट्रेड बिजनेस कंपेरिजन में तो कैपिटल का लेवल ज़्यादा होता है, बट हम कंपनी वगैरह या अदर लार्ज स्केल कॉरपोरेट हाउसेस से कंपेयर करें तो उनके कंपेरिजन में इनके अंदर कैपिटल का स्केल काफ़ी लो होता है, काफ़ी सीमित होता है, क्योंकि पूंजी कुछ चुनिंदा 2, 3, 4, 5, 10 लोगों के द्वारा पूंजी इन्वेस्ट की जाती है और वो भी एक सीमित मात्रा में उनके द्वारा पूंजी इन्वेस्ट की जाती है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं पार्टनर बिजनेस है, सभी कई लोगों का व्यापार है तो उसमें उनका ये जोखिम होता है कल को हमारा झगड़ा हो जाता है, नहीं बनती है तो कोई एक पार्टनर ओवरटेक कर लेता है, तो वो अपनी सीमित पूंजी ही बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इस वजह से भी यूजुअली थोड़ा पूंजी का स्केल क्या होता है, कम होता है। थर्ड होता है इसके अंदर चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स और कंफ्लिक्ट्स अमंग पार्टनर्स। जनरली एक कहावत होती है हमारे भारतीय दर्शन के अंदर, जहाँ दो बर्तन होते हैं वो आपस में खड़कते हैं, आपस में टकराते हैं, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बिजनेस में भी अप्लाई होती है। कई बार माने बिजनेस में दो या दो से अधिक पार्टनर्स हैं और किसी मुद्दे पर उनके विचारों में विभिन्नता है, आपस में जो हम कहते हैं पॉइंट है वो उस पर दोनों एक मत नहीं है, एक राय नहीं है, या कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसी एक इशू पर उनकी नहीं है, तो कई बार कुछ मुद्दों के ऊपर पार्टनर्स में आपस में कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो जाते हैं। एक पार्टनर कहता है कि ऐसा होना चाहिए, जबकि दूसरा पार्टनर उस पर्टिकुलर प्लान का, उस पर्टिकुलर आइडिया का अपोज करता है कि उसके अकॉर्डिंग ये प्लान बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, इससे बिजनेस को नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो बहुत सारे बिजनेस में ऐसे इशूज होते हैं जिनमें पार्टनर्स में एक राय नहीं होती और उनके ऊपर बिजनेस, उनकी वजह से बिजनेस में पार्टनर्स के बीच में झगड़े की संभावनाएं हो सकती है। कई बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर है, कई बार पार्टनर्स किसी एक पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया वो बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं होता, उससे बिजनेस नुकसान होना पड़ा, इसकी वजह से दूसरे जो पार्टनर्स है उसमें उनमें क्या हो जाता है, उस पार्टनर में बाकी और दूसरे पार्टनर्स में डिफरेंस आ जाते हैं कि एक पार्टनर के डिसीजन से बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ा और दूसरे पार्टनर्स को भी वो नुकसान बियर करना पड़ रहा है। तो इस वजह से अक्सर कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर झगड़े की संभावना हो जाती है, दो या दो से अधिक पार्टनर है तो उनमें किस अलग अलग मुद्दों के ऊपर आपस में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस की जो लाइफ होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। क्यों? जितने भी पार्टनर्स हैं, किसी भी एक पार्टनर के डेथ की वजह से या कोई सी पार्टनर ने पार्टनरशिप बिजनेस अपनी हम कहते हैं ओनरशिप विड्रॉ करने से पार्टनरशिप तुरंत डिस्क्लोज होती है, तुरंत बंद हो जाती है, और दो पार्टनर है, तीन पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, पार्टनर उस पार्टनरशिप बिजनेस में सेटिस्फाई नहीं है, वो अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ले, तो पार्टनरशिप वहीं पर ही डिस्क्लोज खत्म हो जाती है, ब्रेकआउट हो जाती है, जिससे पार्टनर बिजनेस की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, उसकी एग्जिस्टेंस अनस्टेबल होती है, पता नहीं कब पार्टनर में झगड़ा हो जाए और उसकी वजह से वो अपनी पार्टनरशिप को ब्रेक कर दे, तो उसमें क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। और नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जब हम गए बिजनेस के अकाउंट्स वगैरह जो बुक होती हैं, कंपनी के बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है,
वो पब्लिश करना, आम जनता के सामने प्रस्तुत करना कोई लीगली बाउंड, जैसे हम कहते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो आप आगे बढ़ेंगे उसमें कंपनी के अंदर जो भी कम रहती है उन्हें अपने अकाउंट्स जो है वो पब्लिक में डिस्क्लोज करने पड़ते हैं कि कंपनी में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी परचेज है, कितनी सेल्स है। बट पार्टनरशिप बिजनेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक के सामने गवर्नमेंट के सामने डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो लोग उनकी कंपनी के एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में अनअवेयर होते हैं, इसलिए वो उस बिज़नेस के अंदर किसी भी रूप में पैसा इन्वेस्ट करने से बचते हैं, उस बिज़नेस को लोन वगैरह देने में से बचते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक फेथ। दीज आर सम मेजर लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट मीन नुकसान होने की सूरत में जो भी सरप्लस लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट पार्टनर्स के पर्सनल एसेट में से की जाती है। पार्टनर्स जितने भी होते हैं वो सीमित पूंजी लगाते हैं अपने अपने एंड से, एक लिमिट कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए अक्सर बिजनेस में कैपिटल का लेवल लिमिट रहता है, जिस वजह से बिजनेस जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होते हैं, लिमिट होते हैं। अलग अलग मुद्दों पर पार्टनर्स के अलग अलग राय हो सकती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से पार्टनर्स में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स या म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। किसी भी एक पार्टनर कि डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, या उस पार्टनर की इनसेटिस्फेक्शन से पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, और पार्टनरशिप ब्रेक होते ही पार्टनरशिप बिजनेस की एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ जाती है। और अक्सर पार्टनरशिप बिजनेस में के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं होते, तो पब्लिक को कंपनी की रियल फाइनेंशियल पोजिशन की नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो उस बिजनेस को में पैसा इन्वेस्ट करने से, उस बिजनेस को लोन देने या अवॉइड करते हैं, दैट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। सो स्टूडेंट्स, दीज आर जनरल लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टिल देन गुड बाय।